नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंस्टेंट हार्टिकल्चर के 10वें लेक्चर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें मैं ये बनाना का तीसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हम लोग बनाना का पहला और दूसरा पार्ट पढ़ चुके हैं, आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक, अगर आपको पहला और दूसरा पार्ट आप लोगों ने ना देखा हो तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इंस्टेंट हार्टिकल्चर नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसी प्लेलिस्ट में सब लेक्चर वाइज सभी वीडियोस पड़े हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। आज ये तीसरा लेक्चर हम तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, अपार्ट फ्रॉम स्वार्ड सकर, स्वार्ड सकर कट राइजोम कॉल्ड बिट एंड प्रीपर्स आर आल्सो यूज फॉर प्रोपोगेशन। जैसे मैंने कल बताया था कि स्वार्ड सकर जिसका वजन 500 से 750 ग्राम है, दैट कैन बी यूज फॉर द प्रोपोगेशन पर्पज, बट राइजोम जिसे हम बिट बिट्स या पीपर्स कहते हैं, ठीक, जिसे हम जो राइजोम होता है उसको हम बिट्स या पीपर कहते हैं, ये भी प्रोपोगेशन के मटेरियल के रूप में यूज किया जा सकता है। जैसे सकर तो हम यूज करते ही करते हैं स्वार्ड सकर को, लेकिन अगर स्वार्ड सकर ना उपलब्ध हो तो हम कट राइजोम को जिसे हम बिट या प्रीपर कहते हैं ये भी यूज कर सकते हैं बनाना के प्रोपोगेशन करने के लिए। ठीक, पुवन, रस्थाली, नेंद्रन और रोबस्टा, ये जो चार वेराइटियाँ हैं इन चारों वेराइटियों को 2.1 × 2.1 मीटर स्क्वायर में प्लांटिंग करते हैं, मतलब प्लांट टू प्लांट 2.1 मीटर और रो टू रो डिस्टेंस 2.1 मीटर रखी जाती है इस वेराइटी में, और बाकी जो बसराई, कुल्हन और जवारी है इसमें 1.8 × 1.8 मीटर स्क्वायर की स्पेसिंग रखी जाती है। फिर इन गुजरात एंड महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र में फरो मेथड की प्लांटिंग होती है और तमिलनाडु में ट्रेंच मेथड की प्लांटिंग होती है। गुजरात में और महाराष्ट्र में फरो मेथड और तमिलनाडु में ट्रेंच मेथड। अब फरो मेथड क्या होता है, आलू की बुआई आप लोगों ने देखी होगी ऐसे, ठीक, यहाँ यहाँ पे इसके बीच में यहाँ आलू बोया जाता है, ठीक, तो ये तो हो गया फरो मेथड। इसे मेथड से बनाना में भी होता है, कैसे, ऐसे पहले इसमें फरो बना लेते हैं, मतलब नाली विधि, यहाँ यहाँ पर, यहाँ पर बनाना को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, ये चैनल इरिगेशन के लिए होता है। तो ये जो मेथड है इसे हम फरो मेथड कहते हैं, फरो मेथड, और ये फरो मेथड जो होता है वो गुजरात और महाराष्ट्र में यूज होता है। फिर अगला है ट्रेंच मेथड, ट्रेंच मेथड ये तमिलनाडु में होता है, और ये होता क्या है अभी हम आगे बताते हैं। डबल ए बी और ट्रिपल ए क्लोन आर ग्रोन अंडर इरिगेटेड कंडीशन, ये जो बनाना का क्लासिफिकेशन, जेनेटिक क्लासिफिकेशन जो बनाना का होता है उसमें जो डबल ए बी वाले क्लोन होते हैं या ट्रिपल ए वाले जो क्लोन होते हैं इनको इरिगेटेड कंडीशन में उगाया जाता है, और जो ए डबल बी क्लोन होते हैं इनको रेनफेड कंडीशन में उगाया जाता है। ए डबल बी क्लोन कौन कौन से होते हैं, मोन्थन, कंथली और कुन्नन, ये जो तीन वेराइटियाँ हैं ये ए डबल बी क्लोन की बनी हुई है। ठीक, अब ये हो गया आपका ट्रेंच मेथड, इसको कायदे से समझो, ये जो होता है ये प्रोटेक्टिव बंड होता है, मतलब ये बाहरी, सबसे खेत के सबसे बाहरी किनारा होता है, ट्रेंच मेथड है, ये सबसे बाहरी किनारा होता है, और यहाँ पे बीच में ऐसे ऐसे होता है, मेन जो जमीन होती है वहाँ से 0.03 मीटर नीचे गढ़ाई में इसको, इसकी बुआई करते हैं, तो इसको हम ट्रेंच मेथड कहते हैं, ऐसे समझ सकते हो, अभी हम बना देते हैं ऐसे, समझ गए, यहाँ पर बनाना लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, इस टाइप का जो मेथड होता है इसको हम ट्रेंच मेथड कहते हैं, जो तमिलनाडु में यूज किया जाता है, वही ट्रेंच मेथड का ये फिगर है, ध्यान से देख लीजिए, इसी से बनता है, यहाँ पे देखो लगाया गया है, दोनों तरफ मिट्टी ऊंची है, यहाँ पर लगाया गया है। अब ट्रेंच मेथड इज स्पेशली फॉलोड इन वेस्टलैंड वेटलैंड सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन, वेटलैंड सिस्टम ऑफ कल्टिवेशन मतलब जहाँ पर हरदम मॉइस्चर बना रहता है, जहाँ पर्याप्त मात्रा में हमेशा मॉइस्चर रहता है वहाँ पर ये ट्रेंच मेथड सिस्टम यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो मेन मिट्टी है, मेन जो खेत का लेवल है उसके नीचे यहाँ बुआई की गई है, खेत यहाँ है, मेन मेन जो सरफेस है मिट्टी की वो यहाँ है, लेकिन पौधा कहाँ बोया गया है,
पौधे की रुपाई हुई है यहाँ नीचे, ठीक, तो यहाँ पर हरदम मॉइस्चर बना रहेगा, क्योंकि जो हम सिंचाई करेंगे तो यहाँ पर नीची जगह है, तो यहाँ पर हरदम पानी भरा रहेगा। तो ये वेट लैंड सिस्टम में इस टाइप का कल्टिवेशन यूज किया जाता है। अब डिसेकरिंग वंस इन 45 डेज इज कॉमन प्रैक्टिस्ड इन बनाना कल्टिवेशन। जो डिसेकरिंग होती है बनाना में, ये 45 दिन के इंटरवल पर करते रहते हैं। हर 45 दिन के इंटरवल पर हम जो बनाना के मेन ब्रांच के अगल बगल में शकर निकले होते हैं, इन शकर को हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं और इनको उखाड़ के डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर अगला क्या है, फॉर गेटिंग मैक्सिमम यील्ड ए मिनिमम ऑफ 10-12 लीव आर रिक्वायर्ड टू बी रिटेंड ऑन द मदर प्लांट। कह रहा है कि पौधा जब से ग्रो करता है और जब तक हम इससे फल नहीं ले लेते हैं, इसके बीच में 10 या 12 लीफ ही होनी चाहिए पौधे पे। होती तो पौधे में बहुत ढेर सारी लीफ है, तो हम जब ढेर सारी हो जाएगी, जैसे 15-20 हो जाएगी, तो हमको उस लीफ को काट देना है। कौन कौन सी, जो सबसे नीचे वाली, जैसे मान लो ऐसे ऐसे करके 20 लीफ निकल जाएगी, तो 20 लीफ में जो बाहर वाली ये वाली लीफ है, इस लीफ को हमें काट के निकाल देना चाहिए। किसके थ्रू, क्रॉपिंग वाली प्रैक्टिस करके इसको निकाल देंगे। केवल 10 और 12 जो पत्ते हैं, 10-12 पत्ते इनफ होते हैं, इतने ही पत्ते पर्याप्त होते हैं बनाना कल्टीवेशन करने के लिए। मतलब एक समय में अगर 10-12 पत्ते हैं पौधे पर, तो वो पर्याप्त हैं, उतने से पौधा अपना लाइफ साइकिल कायदे से पूरा कर सकता है, प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब स्ट्रांग विंड इज ए थ्रेट ऑफ सक्सेसफुल बनाना प्रोडक्शन। जो स्ट्रांग विंड होती है वो इसके लिए एक थ्रेट होती है। अगर ज़्यादा तेज से हवा आ गई, अभी आंधी आ गई, तो क्या होगा, जो बनाना का पौधा होगा वो गिर जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बनाना कल्टीवेशन में आंधी से बचाना, क्योंकि ज़्यादा आंधी आएगी तो इसका जो सूडो स्टेम होता है वो हर्बेसियस नेचर का होता है, ये ज़्यादा विंड वेलोसिटी को टॉलरेट नहीं कर सकता, इसीलिए ये जब ज़्यादा आंधी आएगा तो ये गिर जाएगा, ठीक, गिर जाएगा तो फिर नुकसान हो जाएगा हमारा, इसीलिए एक थ्रेट होता है स्ट्रांग विंड। इसी की वजह से हम लोग स्टेकिंग करके इसको रोके रहते हैं कि अगर आंधी आंधी आए तो गिरे ना। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हार्वेस्टिंग इज डन एट 75-80% मैच्योरिटी। लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर लेके जाना है, जहाँ पे 3-4 दिन का ट्रांसपोर्टेशन का टाइम लग सकता है, तब उतनी दूर अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो जब केला 75-80% ही पका हुआ हो, तभी हमको उसे ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए। 75-80% मैच्योरिटी पे है, हमें इसको ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए। अब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी टू डिले राइपनिंग ऑफ बनाना आर स्किन्ड कोटेड विद वैक्सोल। वैक्सोल एक वैक्स होता है, 12% वैक्स इमल्सन होता है, इसको यूज किया जाता है बनाना के राइपनिंग को रोकने के लिए। जैसे मान लो बनाना मैंने पेड़ से तोड़ लिया, अब क्योंकि ये क्लाइमेट्रिक फ्रूट है तो ये जल्दी से पकना स्टार्ट कर देगा, जैसे हम मैच्योरिटी के बाद तोड़ेंगे, तो क्या किया जाए, और हमें दूर लेके जाना भी, दूर लेके जाना है, अगर हम ज़्यादा देर कर देंगे तो बनाना पक जाएगा रास्ते में, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इस पर वैक्सिंग कर दी जाती है, मोम लगा दिया जाता है बनाना पे, जिससे क्या होता है, राइपनिंग जो होती है बनाना की, पकने का जो समय होता है वो डिले हो जाता है, यानी कि बनाना देर से पकता है, ठीक। तो ये हम वैक्सिंग कर लेते हैं, तो वैक्सिंग किससे करते हैं, वैक्सोल से करते हैं। अब आल AAA क्लोन आर ससेप्टेबल टू सिग्गा टोका लीफ स्पॉट। सिग्गा टोका लीफ स्पॉट एक डिजीज होती है, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था, मतलब 10वें लेक्चर के पहले पार्ट में, बनाना का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने बताया था सिग्गा टोका लीफ स्पॉट डिजीज क्या होती है। तो जो AAA वाले क्लोन होते हैं, ये सब ससेप्टेबल होते हैं सिग्गा टोका लीफ स्पॉट के, मतलब इनमें सिग्गा टोका लीफ स्पॉट बड़ी आसानी से लग जाता है। बनाना कल्टीवर आर स्क्रीन्ड फॉर वायरस बाई एलिसा टेस्ट। बनाना जो कल्टीवर होता है, इसको स्क्रीन किया जाता है, वायरस की स्क्रीनिंग होती है कि इसमें वायरस है कि नहीं, उसको कैसे किया जाता है, एलिसा टेस्ट से करते हैं। दो टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है बनाना में, एक तो टेट्राजोलियम टेस्ट है और ये किया है एलिसा टेस्ट। जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है उससे सीड की वायबिलिटी पता चलती है, और जो एलिसा टेस्ट होता है इससे वायरस इमल्सन होता है कि इसमें वायरस है कि नहीं है। अब देखो, जैसे कोरोना वायरस की स्क्रीनिंग होती है, लोगों को चेक किया जाता है, उसी टाइप से एलिसा टेस्ट भी होता है बनाने में।
अब इसका एग्जैक्ट क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे जब जेनेटिक्स बताएंगे, ठीक। आप हाइब्रिडाइजेशन वर्क CBRS यानी कि सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन, CBRS का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बनाना रिसर्च स्टेशन, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में, इस यहीं पर बनाना का हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि संकरण वाला जो काम है, हाइब्रिड डेवलप करने का जो काम है, ये तमिलनाडु में होता है CBRS में, ठीक। अब सीडलेसनेस ऑफ बनाना इज कंट्रोल्ड बाई स्प्रे ऑफ 2,4-D एट द रेट ऑफ 25 ppm, 25 ppm के 2,4-D के घोल को अगर हम बनाना के पौधे पर स्प्रे कर देंगे तो बनाना सीडलेस हो जाएगा, यानी कि बनाना में जो सीड लगते हैं वो नहीं लगेगा, बिना बीज का बनाना तैयार हो जाएगा, जो हम लोग खाते हैं उसमें सीड नहीं होता है, समझ गए। तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, 2,4-D के एप्लीकेशन से, 2,4-D का अगर हम छिड़काव कर देंगे बनाना में तो नहीं होगा, 2,4-D का छिड़काव कितना, 25 ppm करते हैं, ठीक। अब फिर अगला है मैच्योरिटी, बनाना का जो बंच होता है बनाना, ये मैच्योर कब होता है, 90 से 150 दिन में, ठीक, 90 से 150 दिन में ये पक जाता है। अबाउट 23% ऑफ वर्ल्ड बनाना आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, लगभग 23% बनाना इंडिया प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया का, मतलब पूरी दुनिया में अगर 100 किलोग्राम बनाना हो रहा है तो उसमें 23 किलो बनाना इंडिया प्रोड्यूस करता है। सिग्गा टोका लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ बनाना वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1913, सिग्गा टोका लीफ स्पॉट जो डिजीज है इसको सबसे पहले 1913 में ऑब्जर्व किया गया था, यानी कि सबसे पहले देखा गया था। बनाना इम्प्रूवमेंट वर्क वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1949 इन तमिलनाडु, बनाना पे इम्प्रूवमेंट वर्क यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का या नई नई वेराइटियाँ डेवलप करने का जो काम था वो सबसे पहले 1949 में तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया था। अब लीडिंग इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी वेराइटियाँ यूज की जाती हैं, बनाना कल्टिवेशन में कौन सी वेराइटियाँ ज़्यादा यूज की जाती हैं, नंबर वन है पुवन, नंबर दो है मंथन और कर्पूरा वल्ली, ये तीन जो वेराइटियाँ हैं ये लीडिंग प्रोडक्शन है, यानी प्रोडक्शन में इनका सबसे ज़्यादा योगदान होता है। बनाना इज स्टेपल फूड ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के ये स्टेपल फूड है, जैसे हमारे यहाँ गेहूं और चावल स्टेपल फूड माना जाता है, हम गेहूं चावल रोज खाते हैं किसी न किसी फॉर्म में, चाहे रोटी खाएं, चाहे चावल खाएं, चाहे बड़ा खाएं, पना खाएं, कुछ भी खाएं, हम गेहूं और चावल दोनों में से एक चीज़ तो हमारे भोजन में रोज रहेगी, उसी टाइप से साउथ अफ्रीका में बनाना उनके भोजन में रोज रहता है, ठीक, तो वो वहाँ का स्टेपल फूड होता है। अब आज के लिए केवल इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सुझाव हों वो कमेंट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।